नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो कल के दिन में इसराइल ने तीन बड़े टारगेट्स अपने निपटा दिए। जी हाँ, तीन टारगेट इसराइल ने निपटा दिए, वो भी तीन अलग अलग देशों में। सबसे पहला टारगेट था फौत शुक्र, जो लेबनान में हिजबुल्ला का एक कमांडर था, जो कि एक वांटेड टेररिस्ट था इसराइल के द्वारा, और उसके सर पर कुछ मिलियन डॉलर्स का इनाम भी रखा गया था, जिसके बारे में हमने अपने व्हाट्सएप चैनल में भी शेयर किया था। दूसरा जो टारगेट था वो था IRGC का एक लीडर, जिसको इसराइल ने प्रिसिजन स्ट्राइक के थ्रू सीरिया में निपटा दिया। तीसरा और जो बहुचर्चित टारगेट था वो था हमास आतंकी संगठन का सबसे धनी रिचेस्ट लीडर इस्माइल हनिया। इस्माइल हनिया पिछले कई सारे सालों से गाजा से बाहर रह रहा है, पैलेस्टाइन से बाहर रह रहा है, वो अलग अलग देशों में घूमता रहता है। रिसेंटली वो कल तेहरान में था, जिस समय उसके बिल्डिंग पर स्ट्राइक किया गया और अल्टीमेटली उसको असैसिनेट कर दिया गया। अब ये जो पूरा असैसिनेशन था, उसके पीछे जो ज्यादातर मीडिया आउटलेट्स हैं और जो ईरान की भी रिजीम है, करंट आयतुल्ला खुमेनी की जो रिजीम है, वे लोग भी इसराइल के मोसाद को इसका जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन हकीकत में क्या इसको मोसाद ने ही मारा है या फिर इसको इरेनियन रिजीम ने मारा है, IRGC ने मरवाया या फिर किसी इरेनियन व्यक्ति ने मारा है, ये बात एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। अब ये एक कॉन्स्पिरेसी थियरी जैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे हमारे पास कुछ तथ्य हैं, कुछ फैक्ट्स हैं और कुछ ऐसे कोइंसिडेंसेस हैं, कुछ ऐसी घटनाएं जो हमने ऑब्जर्व की हैं, वो हम आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। तो क्या घटना हुई कल और उसके पहले ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसको कंसिडर करके हम लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये वो शायद मोसाद ने ना करवाया हो बल्कि किसी और द्वारा किया गया हो। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह के जो अल्टरनेट व्यूज हैं वो भी मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मोसाद की। तो मोसाद की कई सारे दशकों से ये रेपुटेशन है कि इसराइल का कोई भी रुख पूरी दुनिया में कहीं भी छुपा हो, मोसाद उनको ढूंढ निकालता है और उनको सजा देता है। ये सिर्फ एक किंवदंती नहीं है, लेकिन ये हकीकत भी है। इसका बहुत ही बड़ा एक एग्जाम्पल था आइकमैन, जो कि नाजी के समय में एक कमांडर था और कई सारे यहूदियों की मौत के लिए जिम्मेदार था। उसको मोसाद ने अर्जेंटीना से ढूंढ निकाला था, वहां से उसको किडनैप करके ले आए थे इसराइल में और बाद में वहां पर उसको पनिशमेंट दी गई। तो इसी प्रकार से कई सारे ऐसे टारगेट्स हैं जिसको मोसाद ने बहुत ही सक्सेसफुली हिट किया है। लेकिन रिसेंटली जब अक्टूबर 7 का अटैक हुआ, तब मोसाद के ऊपर और जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इसराइल की, उसके ऊपर कई सारे सवाल उठना शुरू हो गए। कुछ सवाल हमने खुद भी उठाए थे, क्योंकि जिस तरह से ये अक्टूबर 7 का जो मैसिव अटैक हुआ, जो आतंकवादी हमला हुआ हमास के द्वारा, उसकी प्रिपेरेशन कई महीनों पहले से ही ऑलरेडी वहां पर चल रही थी, इस बात की पुष्टि हमने खुद की थी। तो ये बात जब हमको पता चल सकती है, तो मोसाद के कानों से ये खबर कैसे अछूती रह गई, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो उसी के चलते मोसाद की जो क्रेडिबिलिटी और उसकी जो एफिशिएंसी थी, उसके ऊपर पूरी दुनिया से कई सारे लोग सवाल उठा रहे। लेकिन अल्टीमेटली मोसाद फिर से एक्शन में आया और उसने कई सारे अलग अलग ऑपरेशंस किए और साथ ही में IDF भी काफी एफिशिएंसी से अभी काम कर रहा है। गाजा में जो भी टेररिस्ट छुपे हुए हैं उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उन लोगों को खत्म कर रहा है, साथ ही में धीरे धीरे करके अपने जो हॉस्टेजेस हैं उन लोगों को वापस अपने वहां पर ला रहा है। कुछ हॉस्टेजेस बच गए हैं, वापस आते हैं इस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर। तो मोसाद की जो रेपुटेशन है वो वापस से धीरे धीरे क्रेडिबिलिटी उसकी बिल्ड हो रही है, वापस रीइंस्टेट हो रही है। तो हो सकता है कि तेहरान में जो कल हुआ वो मोसाद के द्वारा किया गया हो या उसका प्लानिंग मोसाद द्वारा किया गया। अब ये एक पहलू है। दूसरा जो पहलू है जिसमें हम ये आशंका लगा रहे हैं कि इसमें इरेनियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर और इरेनियन रिजीम खुद शामिल थे, उसको जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा तकरीबन 3 महीने पहले, जब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस हुआ। ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस IRGC के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें कई सारे मिसाइल्स के द्वारा इसराइल के ऊपर हमला किया गया था और उसमें कुछ टारगेट्स हिट हुए इसराइल में और थोड़ी बहुत इंजरीज यहां वहां पर जरूर हुई। लेकिन उसके बाद मिडल ईस्ट का जो पूरा माहौल था वो बहुत ही क्रिटिकल हो गया था, बहुत ही हॉट हो गया था, जिसके चलते ये आशंका लगाई जा रही थी कि इसराइल इस ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के अगेंस्ट में रिटेलिएटरी अटैक करेगा और ईरान और इसराइल डायरेक्टली आमने सामने युद्ध में पहली बार उतरेंगे। लेकिन
इसराइल की तरफ से इसके सामने कोई भी रिटेलिएटरी अटैक नहीं किया गया, कोई भी रिटेलिएटरी एक्शन नहीं लिया गया। अब ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है, जिस तरह से आईडीएफ कॉन्स्टेंटली सालों से ऑपरेशन करती है और जो भी इसराइल के ऊपर हमला करता है, चाहे वो आईडीएफ हो या मोसाद हो या उनकी कोई भी एजेंसी हो, वो जिस तरह से रिस्पॉन्ड करती सालों, उसके चलते ये जो पर्टिकुलर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस था, उसके सामने कोई भी रिटेलिएटरी अटैक, कोई भी रिस्पॉन्स ना आना एक बहुत ही सस्पिशियस सिचुएशन खड़ी कर देता है। उसके बाद कोई एक्शन, कोई रिटेलिएशन नहीं हुआ जो हमास द्वारा किया जा रहा है, जो हिजबुल्ला द्वारा किया जा रहा है, जो हुतीज द्वारा यमन में से किया जा रहा है, वो ऑपरेशन जारी रहे, लेकिन आईआरजीसी या ईरान डायरेक्टली इसराइल के साथ कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं उतरे, और इसराइल ने भी डायरेक्टली ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में उतरना अवॉइड किया या फिर जानबूझकर इसको नहीं किया। उसके बाद 3 महीने के बाद सडनली इस्माइल हनिया ईरान पहुंचता है, तेहरान रहता है और कुछ समय बाद उसका असैसिनेशन हो जाता है। इस्माइल हनिया तकरीबन 2014 से या उसके बाद से गाजा से बाहर है और वो अलग अलग कंट्रीज में रह रहा है, जैसे कि हमने आपको आगे बताया। तो उसी के चलते वो कई सारी अलग अलग इस्लामिक कंट्रीज में रह रहा था, लेकिन उनमें से किसी भी जगह उसके साथ कोई भी घटना या दुर्घटना नहीं। लेकिन जब वो ईरान में आया, जैसे ही ईरान के नए प्रेसिडेंट की स्वेरिंग इन सेरेमनी खत्म हुई, उसके बाद तुरंत इस्माइल हनिया असैसिनेशन हो गया। ना कोई एयर स्पेस वायोलेशन हुआ, ना कोई भी मिसाइल डिटेक्ट हुई, ना कोई भी ऐसी घटना हुई जिससे ईरान को, ईरानियन रिजीम को, आईआरजीसी को अर्ली वार्निंग मिल सके कि इसराइल से इस प्रकार का कोई अटैक लॉन्च किया गया है। उसी के चलते एक ये आशंका लगाई जा रही है कि इन सब में कहीं ना कहीं या तो ईरानियन रिजीम और आईआरजीसी वीक हो गई है, उनकी इंटेलिजेंस और उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं वो वीक हो गई हैं, या फिर वे लोग इस पूरे असैसिनेशन बिड में इसराइल के साथ थे। ये भी संभव है कि उन लोगों ने खुद ही ये असैसिनेशन करवाया हो और मोसाद का इसमें कोई भी हाथ ना हो। सिर्फ दिखावे के लिए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस किया गया था, जिसमें कोई भी बड़ी दुर्घटना इसराइल में नहीं हुई। तो उसी के चलते ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरा इस्माइल हनिया का असैसिनेशन हुआ, उसकी जो पूरी घटना है, उसमें कहीं ना कहीं आईआरजीसी और इरानियन रेजिम या तो वीक हो गए हैं ऐसा दिखाई पड़ता है, या फिर वे लोग खुद इसमें संलिप्त हों ऐसा भी मालूम पड़ता है। तीसरी जो बात है वो कुछ इस प्रकार की है कि हमने 3 महीने पहले ही ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के बाद एक और वीडियो साझा किया था, जिसको हमने टाइटल दिया था व्हाट इरेनियंस वांट। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको ध्यान होगा कि उसमें एक एलिका लेबॉन, जो कि एक इरेनियन लॉयर है, उसका एक स्टेटमेंट भी है जिसमें वे लोग साफ कह रहे हैं, और उसके जैसे कई सारे अन्य लोग हैं जो साफ कह रहे हैं कि दे आर नॉट हैप्पी विद करंट इरेनियन रिजीम, जो आयतुल्लाह खुमैनी और आईआरजीसी के द्वारा चलाई जा रही है। दे आर नॉट हैप्पी विद इट, इरेनियंस, एवरेज इरेनियंस आर नॉट हैप्पी विद इट, एंड Iranians want peace with Israel. They stand with Israel. अगर आप आज भी ट्विटर पर जाकर, एक्स पर जाकर अगर हैशटैग टाइप करते हैं Iranians stand with Israel, तो आपको वो हैशटैग इजीली मिल जाएगा। उसके ऊपर बहुत सारी पोस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है और काफी लंबे समय से चली आ रही हैं। Iranians को वो फ्रीडम चाहते हैं, पीस चाहते हैं अपने कंट्री में भी और इसराइल के साथ। तो उसी के चलते एक संभावना ये भी लग रही है कि ये जो पर्टिकुलर असैसिनेशन हुआ, उसमें कहीं ना कहीं हो सकता कि एक आम इरेनियन का हाथ हो। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ असैसिनेशन का, उसमें जैसे कि हमने आपको बताया कि कोई भी एयर स्पेस वायोलेशन नहीं हुआ या फिर ऐसी कोई भी अर्ली वार्निंग नहीं मिली कि मिसाइल ईरान के बाहर से ईरान की एयर स्पेस में एंटर कर गई है, लेकिन फिर भी अल जजीरा और उनके जैसे कुछ अन्य न्यूज एजेंसीज है जो ये क्लेम कर रहे हैं कि एयरबॉर्न गाइडेड मिसाइल के थ्रू, प्रिसीजन स्ट्राइक के थ्रू इस्माइल हनिया के बिल्डिंग के ऊपर स्ट्राइक किया गया। साथ ही में दूसरी तरफ दूसरी बात ये भी चल रही जो कि काफी हद तक सच भी लग रही है उनको, कि ये जो पर्टिकुलर रॉकेट फायर किया गया था, ये जो पर्टिकुलर असैसिनेशन किया गया, उसमें ईरान के अंदर से ही, इनफैक्ट तेहरान के अंदर से ही, और उसमें भी इस्माइल हनिया के बिल्डिंग से कुछ ही दूरी पर से एक रॉकेट फायर किया गया था,
जो इस्माइल हनिया के बिल्डिंग को जाकर लगा, जिसने इस्माइल हनिया को गुड बाय बोल दिया। तो ये जो पर्टिकुलर संभावना है जिसमें ईरान के अंदर से, इनफैक्ट तेहरान के अंदर से ही रॉकेट फायर होने की बात की गई या फिर चल रही, वो ज्यादा फिजिबल लगती है, क्योंकि उसके अलावा कोई भी ऐसा वार्निंग सिस्टम नहीं था या फिर ऐसा कोई भी एयर स्पेस वायलेशन नोटिस नहीं किया गया, जिसके चलते ये कहा जाए कि बाहर से कोई एयरबोर्न मिसाइल आई या फिर कोई भी जेट, कोई भी फाइटर जेट या फिर ऐसा कोई भी हवाई जहाज आया ईरान में जिसने ये पर्टिकुलर अटैक किया हो, इस घटना को अंजाम दिया हो, इस्माइल हनिया का असैसिनेशन किया हो। तो इसी के चलते ये तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, एक मोसाद द्वारा इसको किया गया हो और मोसाद का वहां पर तेहरान में, ईरान में ही अपना नेटवर्क हो जिसको एक्टिवेट करके इस्माइल हनिया को निपटा दिया गया हो, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी, इरेनियन रिजीम, आयतुल्ला खोमेनी की रिजीम और IRGC खुद इसमें शामिल हो, या फिर वो लोग वीक हो गए हैं जिसकी वजह से वो लोग ये डिटेक्ट नहीं कर पाए। और तीसरी पॉसिबिलिटी कि आम इरेनियंस इस युद्ध को, इसराइल के साथ वो युद्ध एक चल रहा है उसको खत्म करने के लिए और इसराइल के साथ पीस कायम करने के लिए जो भी बीच में रोड़ा बन रहा है उनको खत्म करते जा रहे हैं, ऐसी भी एक पॉसिबिलिटी यहां पर दिखाई पड़ रही है। अब इसमें से कौन सी बात हकीकत है वो जैसे जैसे खबरें आएंगी वैसे वैसे डिस्क्लोज होता जाएगा। अभी तक इसराइल ने इसके ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, ईरान में से अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आपको क्या लगता है कि इन तीन में से कौन सी पॉसिबिलिटी ज्यादा फिजिबल है, ज्यादा एक्यूरेट, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।